लेकिन अभी मुझे कुछ तस्वीरों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, शब्दों में उसको गूंथना पड़ेगा। क्यों यह जरूरी है कि कोरोना की जब जानलेवा रफ्तार है तब भी लोग देखकर भी नहीं संभल रहे, तस्वीरें देखकर आसपास की स्थितियां देखकर भी सावधानी वैसी नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए, ना तो पॉलिसी मेकर्स में और ना ही आम जनता में। क्यों हो रहा है ऐसा? और अब अगर मजबूरी है कि मैं पिक्चर्स भी एक्सप्लेन करूं तो करूंगा, एक बार फिर से करूंगा। देखिए वो तस्वीर देखिए जहां 14 दिन का नवजात गुजरात में कई दिनों के इलाज के बावजूद मर गया कोरोना से। और इस उम्र में किसी बच्चे की मौत होना कोरोना की वजह से, इस तरह का पूरे देश में पहला मामला था। बच्चों को बहुत बुरी तरह जकड़ रहा है कोरोना इस बार। अब ये मत सोचिए कि किसी आयु वर्ग को वो छोड़ रहा है। अगली तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के बीड से ये तस्वीर जहां एक चिता में अमूमन एक शव को लंबाई में लिटाकर उसे अग्नि दी जाती है, क्योंकि जगह नहीं बची है। यहां चिताएं पहले ही सजाई जा रही हैं और उसमें शवों को आड़ा लिटाकर ताकि कई शव अकोमोडेट हो सकें अग्नि दी जा रही है। बीड में 4 शवों को इकट्ठे इसी तरीके से अग्नि दी गई। अगली तस्वीर देखिए, आपने देखा गुजरात में उस बच्चे की स्थिति, आपने देखा बीड की स्थिति, अब यहां देखिए गुजरात में वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को अगर आप मिला लें, एक दिन में 600-600 मौतें हो रही हैं और 96,000 टन लकड़ी की आवश्यकता हो रही है। और यहां तो यह बताया जा रहा है कि 15,00,000 किलो 15 दिनों में आवश्यकता पड़ गई। आप अंदाजा लगाइए कि कितने रिसोर्सेस जा रहे हैं और कैसे लोग जान से जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके जहन में ये ताजा होता रहे कि ये विभीषिका कितनी गंभीर है। और बाकी सिस्टम तो छोड़िए, आपको खुद इस बार अपनी मदद करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में 100 टन ऑक्सीजन की मांग है लेकिन 70 टन ऑक्सीजन ही मुहैया है। इंदौर की बात कर रहा हूं, वहां एक वृद्ध महिला का इलाज चल रहा था पिछले करीब 12 दिनों से और अब क्योंकि वहां पर उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जयपुर उसको शिफ्ट करना पड़ा है। अगली तस्वीर देखिए, इस तरीके से स्कूटी में ढोए जा रहे हैं सिलेंडर्स राजस्थान के अजमेर में बगैर पीपीई किट के, इसके बावजूद लापरवाही हो रही है। इस तरह की तस्वीरें देखने के बावजूद, इस तरह की तस्वीरें उनकी संजीदगी क्या है ये समझने के बावजूद, देखिए ये हो रहा है। ये पीपीई किट के बगैर पहाड़गंज, वहां का एक श्मशान घाट है अजमेर के अंदर जहां 23,000 केसेस हो गए हैं, वहां पर भी बगैर पीपीई किट पहने ये श्मशान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तब जबकि दुख है और दुख बहुत विकराल है, बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं रहती, लेकिन ऐसे में भी अगर हमने ध्यान नहीं रखा जब कोरोना बस इसी लापरवाही के इंतजार में है तो एक और जान जाएगी। राजस्थान के बाद दिखाता हूं आपको हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में 4 घंटे बाद ही पानी से चिता ठंडी कर दी गई ताकि यहां दूसरे शवों को डाला जा सके। एक शव को पूरी तरह दग्ध होने में जो वक्त लगता है उससे पहले ही चिताएं इसलिए बुझाई जा रही हैं ताकि वहां दूसरी चिताओं को जलाया जा सके। आप अंदाजा लगाइए कि एक श्मशान में शवों के लिए वेटिंग और वहां शवों को जलाए जाने के लिए किस कदर लोग परेशान हैं। और ऐसा ये परेशानी अगर श्मशान में दिखाई दे रही तो उस घर में क्या बीत रही होगी जिसका अपना कोई चला गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमीन पर अंतिम संस्कार किया गया, प्लेटफॉर्म में जगह बची नहीं है, ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं अमूमन वहां जगह नहीं बची, तो अब नीचे लिटाकर वहीं चिता बनाकर शवों को जलाया जा रहा है। और अब झारखंड भी देख लीजिए, झारखंड के घाघरा की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां किस तरीके से शवों के आने के पहले चिताएं बना ली जाती हैं और ये चिताएं एक के लिए नहीं बनाई जाती, सामूहिक चिताएं बना ली जाती हैं क्योंकि बहुत सारे शव इकट्ठे आएंगे। ये अब प्रिज्यूम करके चला जाने लगा है और वहां पर आने के बाद इस तरीके से सामूहिक अंतिम संस्कार होता है। अब अगर इन तस्वीरों को आपने देख लिया तो अड़ी में आज का सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अड़ी में आज का सवाल यह है, कौन है जिम्मेदार इस तरह की स्थितियों के लिए? कौन है जिम्मेदार कोरोना की इस जानलेवा रफ्तार के लिए? कोरोना से हुई मौत की वजह आप किसे मानते हैं, सरकारी नीति, जनता की लापरवाही या दोनों? कोरोना से हुई मौत की वजह आप किसे मानते हैं, एक बार फिर से दोहरा दूं, नीचे QR कोड स्कैन करना है आपको। अगर आराम से स्कैन नहीं हो रहा है तो आप अपने पेमेंट एप्लीकेशन से भी इसको स्कैन करके हम तक जवाब पहुंचा सकते हैं और आपका जवाब बहुत आवश्यक है। अड़ी से जुड़िए, आपका जवाब पहुंचाइए ताकि आपका जवाब पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंच सके और ये समझ में आ सके कि इस वक्त किया क्या जाना चाहिए और ये भी कि इस समय पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ आप इंडिविजुअल को भी कितना जवाबदेह मानते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।